हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मैं आपकी होस्ट हर्षिता शर्मा आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और नया वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड टूर ऑफ नीदरलैंड, जो कि शुरू होने वाला है 4 अगस्त से, और इसमें होने वाले हैं 2 T20 मैचेस। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं नीदरलैंड वर्सेज न्यूजीलैंड के फर्स्ट T20 के मैच प्रिडिक्शन के बारे में। तो ये मैच होने वाला है स्पॉट पार्क वेस्ट फ्लाइट स्टेडियम पर। तो इसलिए सबसे पहले जानते हैं इस ग्राउंड के बारे में, इसके फैक्ट्स क्या हैं, स्टैट्स क्या हैं, पिच बिहेवियर क्या है इसका, और साथ ही साथ टॉस फैक्टर क्या होता है। और उसके बाद हम जानेंगे दोनों ही टीम्स के प्लेइंग 11 और साथ ही साथ वो प्लेयर्स भी जिनको आप ले सकते हो अपनी फैंटेसी और ड्रीम 11 टीम में। तो चलिए, विदाउट एनी डिले जानते हैं सबसे पहले स्पोर्ट्स पार्क के फैक्ट्स। तो ये स्टेडियम ओपन हुआ था 2006 में। इसके एंड्स के नेम है पवेलियन एंड और पेडॉक एंड, और इसकी लोकेशन है द हॉज नीदरलैंड, और इसका टाइम जोन है UTC+02, और ये होम ग्राउंड है वर्ग ब्रग क्रिकेट क्लब का। तो ये हो गए हमारे फैक्ट्स। आगे हम चलते हैं स्टैट्स की तरफ। तो स्टैट्स में हम T20 इंटरनेशनल, ODI और T20 डोमेस्टिक तीनों की ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं T20 इंटरनेशनल की। तो T20 इंटरनेशनल के टोटल मैचेस हुए हैं 5, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने पर जीते गए हैं 2 और बैटिंग सेकंड करने पर जीते गए हैं 3। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 147 है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाए हैं स्कॉटलैंड की टीम ने 162 रन 7 विकेट्स पे, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाए हैं बांग्लादेश की टीम ने 128 रन 10 विकेट्स पे। अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो बिलो 150 यहाँ पर 2 बार बना है, स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 3 बार बन चुका है, और अबव 190 नहीं बना है, और ना ही स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 बना है यहाँ पर। तो ये हो गए हमारे T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स। अब हम चलते हैं ODI के स्टैट्स पर। तो ODI के टोटल खेले गए हैं 6 मैच, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने पर 1 जीता गया है और बैटिंग सेकंड करने पर 5 जीते गए हैं। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 200 है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाए हैं कैनेडा की टीम ने 257 रन 7 विकेट्स पे। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाए हैं केन्या की टीम ने 112 रन 10 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न पर चलते हैं, बिलो 200 2 बार बन चुका है, स्कोर बिटवीन 200 एंड 249 3 बार, स्कोर बिटवीन 250 एंड 299 1 बार, और अबव 300 यहाँ पर नहीं बना है। तो ये हो गए हमारे ODI के स्टैट्स। और अब चलते हैं हम T20 डोमेस्टिक पर। तो T20 डोमेस्टिक का इस ग्राउंड पर अब तक एक भी मैच नहीं खेला गया है। जी हाँ, अब तक कोई भी मैच नहीं खेला गया है T20 डोमेस्टिक का इस ग्राउंड पर। तो ये हो गए हमारे स्टैट्स T20 इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और ODI तीनों के ही। अब हम चलते हैं हेड टू हेड की तरफ। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नीदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के हेड टू हेड, वो भी T20 फॉर्मेट के। तो आपको बता दें, दोनों टीम्स के बीच एक ही T20 का मैच हुआ है अब तक, जिसको जीता था न्यूजीलैंड की टीम ने और उसको हार गई थी नीदरलैंड की टीम। दोनों ही टीम्स का ना ही कोई होम वोन है और ना ही कोई अवे वोन है। तो ये है यहाँ के हेड टू हेड T20 फॉर्मेट के दोनों ही टीम्स के। अब हम चलते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट की तरफ। तो आपको सुनकर अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है वो बॉलर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और आपको बता दें, खासकर जो फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर्स होते हैं, वो इस ग्राउंड पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से खेल पाते हैं। और साथ ही साथ जो इस ग्राउंड पर सेकेंड बॉलिंग चूज करते हैं, उनके बहुत कम चांसेस होते हैं इस ग्राउंड पर जीतने के। जी हाँ, जो लोग फर्स्ट बैटिंग चूज करते हैं, फर्स्ट बॉलिंग चूज करते हैं इस ग्राउंड पर, उनके मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो इस ग्राउंड पे अपने मैच को जीत सके। तो ये हो गई वेदर रिपोर्ट। आगे हम चलते हैं वेदर पर। तो वेदर पे टेम्परेचर होगा 18 डिग्री सेल्सियस, प्रेसिपिटेशन 87% और ह्यूमिडिटी 92%, विंड की स्पीड होगी 14 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई हमारी पिच रिपोर्ट, साथ ही साथ वेदर के बारे भी हमने जान लिया है। अब हम चलते हैं प्लेइंग 11 पर। तो न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स दोनों के ही प्लेइंग 11 जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो यहाँ पर है हमारे पास मार्टिन गुडविल, मार्क चैपमैन, जेम्स निशाम, फिन एलन, ग्लेन फिलिप्स, मिटकल सेंटर, कैप्टन है एडम मिलने, लोकी फर्गुसन, ब्लेयर टिकनर, इश सोरी, बेन सियर्स। तो ये है न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11। नीदरलैंड के प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर है मैक्स ओडॉट, टिम प्रिंगल, शरीज अहमद, पॉल वैन मिकेरेन, विक्रमजीत सिंह, स्कॉट एडवर्ड्स कैप्टन है, टॉम कूपर, बेस डे लीडे, आर्यन दत्त, विवियन किंगमा और एहसान मलिक। तो ये हो गए हमारे दोनों टीम्स के प्लेइंग 11। अब हम आगे बढ़ते हैं और उन प्लेयर्स को देखते हैं जो आप ले सकते हो अपनी फैंटेसी टीम में।
सबसे पहले बात करते हैं बैट्समैन की, और यहाँ पर न्यूजीलैंड के बैट्समैन की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं माइक मिटकल स्टेंटर को, जो कि कैप्टन है। 36 मैचेस में 1499 रन्स बना चुके हैं, एवरेज है 74.95 और स्ट्राइक रेट है 90.63। दूसरे हैं मार्टिन गिडविल, 143 मैचेस में 3503 रन्स बना चुके हैं, एवरेज है 40.73 और स्ट्राइक रेट है इनका 101.04। अब बात करें अगर नीदरलैंड के प्लेयर्स की, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं मैक्स ओ डॉट को, बैट्समैन है ये। 43 मैचेस में 1339 रन्स बना चुके हैं, एवरेज है 30.43 और स्ट्राइक रेट है इनका 124.89। दूसरे हैं टॉम कूपर, 21 मैचेस में 517 रन्स बना चुके हैं, एवरेज है 30.41 और स्ट्राइक रेट है इनका 138.61। तो ये हो गए हमारे दोनों टीम के बैट्समैन। अब बॉलर्स की अगर हम बात करें, तो न्यूजीलैंड की टीम में आप ले सकते हैं एडम मिलेने को, इन्होंने 40 मैचेस में 41 विकेट्स लिए हैं, इकोनॉमी है 5.27 इनकी और स्ट्राइक रेट है 43.93। दूसरे हैं लॉकी फर्गूसन, 40 मैचेस में 73 रन्स बना चुके हैं, इकोनॉमी है 5.51, स्ट्राइक रेट है 29.26। तो ये हो गए हमारे न्यूजीलैंड के बॉलर्स। अब हम चलते हैं नीदरलैंड के बॉलर्स की तरफ, तो यहाँ पर है हमारे पास एहसान मलिक, 28 मैचेस में 42 विकेट्स ले चुके हैं, इकोनॉमी है इनकी 7.57 और स्ट्राइक रेट है 13.17। दूसरे आप ले सकते हैं विवियन किंगमा को, इन्होंने 9 मैचेस में 8 विकेट्स ली हैं, इकोनॉमी है 9.85 और स्ट्राइक रेट है इनका 23.0। तो ये हो गए हमारे प्लेयर्स, प्लेइंग 11 भी और साथ में वो प्लेयर्स भी जिनको आप ले सकते हो अपनी ड्रीम 11 की टीम में। अब हम आगे चलते हैं स्पोर्ट्स पार्क वेस्ट फ्लाइट के रिकॉर्ड्स की तरफ, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं T20 हाईएस्ट स्कोर्स की तरफ। जी हाँ, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस टीम ने कितने यहाँ पर T20 में हाईएस्ट स्कोर बनाए हैं, टॉप 10 की हम बात करने वाले हैं। तो नंबर 1 पर यहाँ पर है स्कॉटलैंड, 162 रन 7 विकेट्स वर्सेस में बांग्लादेश, उसके बाद है यूएई, 153 रन 3 विकेट्स वर्सेस में नीदरलैंड, उसके बाद फिर से है यूएई, 152 रन 8 विकेट्स वर्सेस में नीदरलैंड, उसके बाद है नीदरलैंड, 150 रन 6 विकेट्स वर्सेस में यूएई, उसके बाद है बांग्लादेश, 145 रन 2 विकेट्स वर्सेस में नीदरलैंड, उसके बाद है नीदरलैंड, 144 रन 7 विकेट्स वर्सेस में बांग्लादेश, उसके बाद है फिर से नीदरलैंड, 138 रन 9 विकेट्स वर्सेस में यूएई, उसके बाद फिर से नीदरलैंड है, 131 रन 9 विकेट्स वर्सेज में बांग्लादेश, उसके बाद है बांग्लादेश, 128 रन वर्सेज में स्कॉटलैंड के, उसके बाद फिर से है बांग्लादेश, 128 रन वर्सेज में नीदरलैंड के। तो ये हैं हमारे टॉप 10 हाईएस्ट स्कोर्स इन T20 मैचेस। तो ये हो गए हमारे रिकॉर्ड्स। तो आगे हम चलते हैं स्पोर्ट्स पार्क वेस्ट फ्लाइट के टॉस फैक्टर की तरफ। तो ODI की अगर बात करें, तो ODI में बैटिंग फर्स्ट करने पर जीती हैं 1 बार टीम और बॉलिंग फर्स्ट करने पर जीती हैं 4 बार। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 197 है, एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर 176 है। और T20 की अगर बात करें, बैटिंग फर्स्ट करने पर 3 बार टीम जीती हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने पर 5 बार जीती हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 130 है, एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर 118 है। तो इस ग्राउंड पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो फर्स्ट बॉलिंग ही चूज करने वाली है, क्योंकि यहाँ की जो पिच है वो बॉलर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हैं। और पिछले रिकॉर्ड्स में भी यही देखा गया है कि जो भी टीम फर्स्ट बॉलिंग चूज करती है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं इस ग्राउंड पर मैच को जीतने के। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो नीदरलैंड वर्सेज न्यूजीलैंड के फर्स्ट T20 की मैच प्रिडिक्शन की, जो कि होने वाला है स्पोर्ट्स पार्क वेस्ट फ्लाइट स्टेडियम पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।